हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन. हेलो मैम, आई एम फाइन मैम. एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. एंड इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? रिन्यूएबल सोर्सेज. तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? ऐसे सोर्सेज को जिन्हें हम फिर से रीन्यू कर सकते हैं, दैट मीन्स हम फिर से बना सकते हैं जल्दी से. ओके? यस मैम. तो आज हमें पढ़ना है रीन्यूएबल सोर्सेज. ये गौरव बेटा, आप ये वाला सेकंड क्वेश्चन कह रहे थे? यस मैम. ओके, चलिए, इसका आंसर मैंने सेंड नहीं किया. बाकी जो हमने नेक्स्ट क्लास में किया था, यस मैम, इस क्वेश्चन में तो, इस वाली एक्सरसाइज में तो किसी को कोई डाउट नहीं था? नो मैम. चलिए, तो वो वाला भी सेकंड क्वेश्चन सेंड करती हूँ अभी, उसका आंसर आपको, नहीं तो आपका होमवर्क भी बचा रह जाएगा. चलिए, तो आज हमें क्या पढ़ना है? रिन्यूएबल सोर्सेस. तो जिसमें हम सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले. ओके, तो रिन्यूएबल सोर्सेज और इनएक्जिटेबल रिसोर्सेज, दैट मीन्स की ऐसे रिसोर्सेज जो इनएक्जिटेबल है, दैट मीन्स की जो एक्जिटेबल रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं समाप्त होने वाले, बट जो रिन्यूएबल है ये इनएक्जिटेबल है, ये ना समाप्त होने वाले हैं, इन्हें हम जब चाहे यूज कर सकते हैं. ओके, तो देखिए, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, दैट मीन्स की हमने फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं. तो ये है सनलाइट, वॉटर, एयर, सॉइल, प्लांट्स, फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं रिन्यूएबल सोर्सेज के जिन्हें हम लोग फिर से प्राप्त कर सकते हैं. तो लेट अस लर्न अबाउट रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन डिटेल. अब हम कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो यहाँ पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं, इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. तो फर्स्ट इज सन. तो द सन, ये आप सभी को ध्यान से सुनना है क्योंकि इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज पूछी जाएगी लास्ट में. ओके मैम. यस मैम. सो यू ऑल टू नीड लिसन केयरफुली, सभी को ध्यान से सुनना है. चलिए, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज सन. तो द सन इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर द अर्थ. तो हम सभी जानते हैं कि सूरज एक अकेला ऐसा सोर्स है जो हमारी पूरी अर्थ पे लाइट भी देता है और अर्थ भी देता है. तो मैंने आपको बताया ही था कि चाहे हम यहाँ रहें, चाहे दिल्ली रहें, चाहे नाना के घर चले जाएं, चाहे नानी के घर चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, यही सूरज है जो सब जगह सबको रोशनी देता है और गर्मी भी देता है. कहीं भी कोई दूसरा सूरज नहीं आता. तो यही सन है जो सभी को हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करता है. तो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इज नोन एज सोलर एनर्जी. तो जो एनर्जी सन के द्वारा दी जाती है, दिस इज नोन एज सोलर एनर्जी. तो इसको हम क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी. जैसे जो विंड के थ्रू जो एनर्जी जनरेट की जाती है उसे हम विंड एनर्जी कहते हैं. तो ऐसे ही सन के थ्रू जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है? सोलर एनर्जी. चलिए, तो अब हम इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं. तो देखिए, सबसे पहले दिया है सोलर कुकर. वाओ, खाना पक रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं. ये जो सोलर कुकर होता है, इसमें तीनों साइड अंदर से ग्लास लगाया जाता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और ऊपर जो है यहाँ पर भी ग्लास लगा दिए जाते हैं, यहाँ भी ग्लास लगा दिया जाता है, यहाँ भी ग्लास, इस साइड भी लगा होता है, केवल एक साइड नहीं लगा होता. चलिए, तो अब इससे होता क्या है? जब सन रेज यहां से पड़ेंगी तो वो डायरेक्टली यहाँ गिरेंगी, फिर अगर सन रेज यहाँ पड़ती हैं तो भी वो इस वाले पे आकर के फिर से यहीं गिरेंगी. सन रेज इधर वाले में अगर गिरेंगी तो क्या होगा? फिर से वो टकरा करके यहीं गिरेंगी. दैट मीन्स कि सारे तरीके से जो गर्मी है वो यहीं पर आएगी वापस, बाउंस बैक होकर के. और कैसे सन हीट वापस आती है, एक आपने इससे रिलेटेड एक गेम किया होगा. आप सभी ने कभी मिरर लेकर के दूसरे के ऊपर रोशनी फैलाई है? शीशा लेके करते हैं? यस मैम. यस मैम.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Wow, मजा आता होगा बहुत. And जिसके ऊपर करते हो उसे गुस्सा आ जाता है. तो देखिए ऐसी सेम ऐसे ही वही चीज सोलर कुकर में भी यूज की जाती है. जैसे आप ये मिरर है, ये इसमें सन की रोशनी आएगी तो आपने देखा ही है कि आप क्या करते हैं ना, सन की रोशनी को दूसरे के फेस पे चमकाते हो और क्या होता है उसकी जो आंखें उसको दिखना बंद हो जाता है क्योंकि डायरेक्टली सन हीट उसकी आंखों में पड़ती है लौट करके. तो ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होता है, सन रेज जब यहाँ पर आती है तो ये भी लौट करके यही गिर जाती है वापस, यानी कि जो पूरी गर्मी है उसकी वो इसी बर्तन में गिरेगी और इसी वजह से ये खाना जो है वो कुक हो जाता है, बन जाता है, पक करके रेडी हो जाता है. फिलहाल सर्दी में ऐसा नहीं होगा. तो अगर सर्दी में हम लोग सोचें कि सोलर कुकर यूज करें तो बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो खाना दो दिन बाद बनेगा इतनी सन, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो निकलती नहीं है. तो अभी फिलहाल इस समय तो अदर सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा खाना बनाने के लिए. लेकिन अब यहाँ पर हम गर्मी में इस सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं. चलिए तो अभी इसके बारे में और पढ़ते हैं और क्या दिया है हमें. यस, इट इज यूज बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सन हीट का इस्तेमाल प्लांट भी करते हैं, ये लोग हम सभी जानते हैं. और इसलिए हमने देखा होगा कि जो पौधे लगाए जाते हैं ना वो कहाँ झुक जाते हैं, हमेशा सन की तरफ, जहां से रोशनी मिल रही होती है उनसे उधर ही की तरफ झुक जाते हैं. और ऐसा इसलिए क्योंकि सन हीट की जरूरत उन्हें होती है. और कभी आप ऐसा सोचें कि हम लोग, आपने एक प्लांट ऐसी जगह रखा जहां पर उसे हवा भी मिले, पानी पानी भी मिले, सनलाइट ना मिले, तो क्या वो पेड़ ग्रो करेगा? नो no. No, तो यानी कि क्या चाहिए इसे, इस ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें मेनली क्या चाहिए, सनलाइट. और यही कारण होता है कि सर्दियों में अधिकतर पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं. तो देखिए अब जो लीव्स हैं, पत्तियां हैं, वही किचन गार्डन का काम करती हैं, वही खाना बनाने का काम करती हैं. जिस समय पत्तियां झड़ जाती हैं ये काम आ जाता है उनकी टहनियों पे, जो जिनसे पत्तियां निकली होती हैं वो पार्ट अभी भी ग्रीन रहता है, तो वही पार्ट खाना बनाने का काम करता है. तो अब देखिए फोटोसिंथेसिस का काम गर्मियों के सीजन में ज्यादा होता है, सर्दियों में कम हो जाता है. चलिए अब आगे देखते हैं. तो फोटोसिंथेसिस दैट मींस की प्रकाश संश्लेषण, इसमें प्रकाश संश्लेषण जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, फोटो यानी कि फोटो किसकी ली गई, सन की, इस तरीके से. तो यहाँ पर देखिए फोटो यानी कि सन हीट को कैप्चर किया गया फोटो फ्रेम से, सन हीट आई उसे बाउंस बैक होकर के जाने नहीं दिया. सिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना, मिलाना और चीजों के साथ. तो हमारे पेड़ पौधे ये काम करते हैं, कैसे, वो क्या करते हैं, पहले प्रकाश लेते हैं और फिर उस प्रकाश लेकर के पानी और जो उन्होंने जड़ों से मिनरल्स ऑब्जर्व किए हैं उन सारी चीजों को संश्लेष करके, दैट मीन्स मिला करके फिर खाना बनाते हैं. ओके अब देखिए और कहां पर किया जाता है सन एनर्जी का इस्तेमाल. तो एक तो हो गया पौधे खाना बनाते हैं, दूसरी चीज इट इज आल्सो यूज फॉर पावरिंग अप्लायंसेस सच एज सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर कैलकुलेटर एंड सोलर स्ट्रीट लाइट. तो अब इसका इस्तेमाल कुछ अप्लायंसेस को, कुछ उपकरण को चलाने के लिए भी किया जाता है. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही था, आपके स्कूल में सोलर पैनल लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं सन हीट, सन रेडिएशन को कैप्चर करते हैं और उसी का इस्तेमाल हम लोग लाइट जलाने के लिए करते हैं ना. अब देखिए अब दूसरी चीज और क्या बताई है, अब सन एनर्जी का इस्तेमाल सोलर कुकर में भी होता है यहाँ पर खाना बनाने के लिए. दूसरा सोलर हीटर, सोलर हीटर ये भी क्या करते हैं, ये भी सन हीट को इकट्ठा करते हैं और जो हीटर है वो गर्माहट देता है या ठंड, जैसे एसी जो काम करता है वही काम सोलर हीटर भी करते हैं. अब दूसरा है सोलर कैलकुलेटर, आपने देखा होगा बहुत बार बैटरी को निकाल करके सनलाइट, सूरज की रोशनी में रख दिया जाता है कि वो चार्ज हो जाए फिर से, पहले के लोग ऐसा करते थे. और वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सन हीट से चार्ज हो जाती हैं. तो यहाँ पर सोलर कैलकुलेटर भी पहले यूज किए जाते थे जो सन एनर्जी से चार्ज होता हो जाते थे, उसमें सेल वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सोलर एनर्जी से ही चार्ज हो जाते थे. एंड इसके अलावा सोलर स्ट्रीट लाइट, जो बल्ब लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पे जाते हुए बड़ी बड़ी हेडलाइट्स होती हैं, उसमें बल्ब लगाया गया होता है, बड़ा सा बल्ब. तो वो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसमें भी सोलर रेडिएशन का यूज किया जाता है. ओके
यस मैम। दिन भर चार्ज होता है, शाम को अपने आप जल जाता है। यस, दिन भर वो चार्ज, सेम ऐसा ही तो सोलर कैलकुलेटर में भी है, उसे दोपहर में रखेंगे वो चार्ज हो जाएगा, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे आते हैं, और क्या बताया है हमें, अब नेक्स्ट आ जाता है वाटर। अभी हमने सोलर की इम्पोर्टेंस पढ़ी, नेक्स्ट आ जाता है वाटर, और ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके बाद आप सभी से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा वाटर। तो वाटर इज कंस्टेंटली रिन्यूड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल। तो जो हमारा पानी है ये भी हमें दोबारा से रिन्यू होके मिलता है नए फॉर्म में, यानी कि पुराने फॉर्म में ही नहीं हम यूज करते हैं, नया पानी भी आता है। कैसे? क्योंकि जब पानी एवोपरेट होकर के जाता है, क्लाउड के रूप में बन जाता है, फिर बादलों से बारिश होती है, फिर से नया पानी आ जाता है, ताजा पानी होता है ना। तो यानी कि ये जो वाटर है दिस इज रिन्यूएबल सोर्सेज, इसे भी हम फिर से बना सकते हैं। बस जरूरी ये है कि इसके लिए प्लांट्स ज्यादा लगाए जाएं, ताकि प्लांट्स लगाएंगे तो क्या होगा, एवोपरेशन ज्यादा होगा, एवोपरेशन होगा तो बारिश ज्यादा आएगी। अगर प्लांट नहीं लगाए जाएंगे तब क्या होगा, या तो इकट्ठे बारिश आ जाएगी। कैसे? क्योंकि जो हमारे ग्लेशियर्स है ना वो सारे इकट्ठे पिघल जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, और फिर एक टाइम पे तो बाढ़ आ जाएगी और एक टाइम पे सूखा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, ताकि जो बैलेंस है, जो वाटर साइकिल प्रोसेस है वो बनी रहे, सही तरीके से चलती रहे। तो अब देखिए, अब वाटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अभी हमने सोलर एनर्जी का यूज पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाटर। तो मूविंग वाटर वॉज अर्लियर यूज फॉर रनिंग मशीन लाइक वाटर मिल एंड सॉ मिल। तो चलते हुए पानी का इस्तेमाल किया जाता है वाटर मिल को चलाने के लिए, यानी कि जल चक्की, और दूसरा होता है सॉ मिल, एक ऐसी मिल जिसका इस्तेमाल पानी, गिरते हुए पानी को का इस्तेमाल करके किया जाता है। दूसरा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वे टू यूज वाटर इज बाय स्टोरिंग इन रिजर्वरीज। और पानी का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल है वो कहाँ किया जाता है, इसको रिजर्वरीज में, बड़े से तालाब या किसी बावड़ी में स्टोर करके, बिहाइंड डैम। तो जो डैम बनाए जाते हैं, जो बांध बनाए जाते हैं, उनका पर्पस यही होता है कि जहां पर बांध बनाए जाएं, आपने देखा होगा फ्लाईओवर बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, और उसके बीच में होल किया जाता है, होल किया जाता है ताकि पानी उसी होल से दूसरे एरिया में गिर जाए, देखा था ना हमने। तो yes, ma'am. जहां पर भी इस डैम से पानी गिरता है वहीं पर बड़ा सा तालाब या टैंक बना दिया जाता है कि यहां पर पानी स्टोर हो जाए। When his water is released from a dam, a lot of energy is released. अब जब ये पानी गिरता है डैम से नीचे रिजर्वरीज में, तो इस गिरते हुए पानी में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। अब ये जो एनर्जी है इसका इस्तेमाल किया जाता है टर्बाइन में। देखिए, दिस एनर्जी इज यूज फॉर रनिंग स्पेशल मशीन कॉल्ड टर्बाइन। तो टर्बाइन एक मशीन होती है, देखिए जैसे पानी गिरता है तो वहां पर यह मशीन लगाई गई होती है टर्बाइन, जो जल्दी जल्दी घूमने लगती है, और उसी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ओके yes, जब पानी गिरता है तो जो टर्बाइन मशीन होती है ये जल्दी जल्दी चलती है, और फिर क्या होता है, इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और पानी का और इलेक्ट्रिसिटी का जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा कैसी है, बहुत ज्यादा उन दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है बहुत ज्यादा है। यही कारण होता है कि हमें बोला जाता है कि कभी भी नहा धो करके डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना है, बोला जाता है ना। यस मैम। चलिए, साथ ही एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आपके फैमिली वाले ये कहते हैं कि भाई नंगे पैर तो बिल्कुल नहीं छूने जाना है, नहा धो करके नहीं छूना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? मैम, क्योंकि वाटर में करंट होता है। चलिए, एक चीज और। यस मैम। अब आप लोग ये बताएंगे कि मीठे पानी में ज्यादा करंट आता है या खारे पानी में, नमकीन पानी में? खारे पानी में आता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा खारा हो उसमें नहीं। जो पानी है, दैट मींस जो सबसे ज्यादा मीठा पानी है ना, जो टैप वाटर, वो तो किसी लायक नहीं है, वो उसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग जो टैप वाटर है, दैट मींस जो टोटी में पानी आता है सबके घरों में सप्लाई वाला, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर आप उस पानी से नहा लें और जाके इलेक्ट्रिक सर्किट को छू लें, फिर भी आपको तेज से करंट लग जाएगा। क्यों जानते हैं आप लोग क्यों? नहीं, चलिए तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ इसी से रिलेटेड। आपको पता है जो टैप वाटर है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल नहीं आएगी, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी है ही नहीं। लेकिन अगर हम उसमें एक चम्मच नमक डाल दें एक बाल्टी में, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब हमें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर ब्लड है, और ब्लड कैसा होता है? नमकीन। उसमें मिनरल्स मिले होते हैं बहुत सारे, और यही कारण है कि जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूते हैं, हमारा जो ब्लड है ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है, बहुत अच्छा। यही कारण है कि जैसे ही हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिसकी भी इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ होती है ना, वो 5 मिनट के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। और दिस इज बिकॉज, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज्यादा जनरेट करता है। तो इसलिए हमें कहा जाता है कि कभी भी नहीं छूना है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसे एक कॉन्टेक्ट मिल जाएगा पानी के थ्रू और वो हमें कैच कर लेगा, और हमारा ब्लड अगर कॉन्टेक्ट में आ गया तो वो जल्दी छोड़ेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पूरी बात बताई है। क्योंकि जब आप लोग आपके पैर या हाथ गीले होते हैं ना, तो पानी का कॉन्टेक्ट मिल जाता है उसे, जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी से टचअप करा देगा आपको, बस इतना ही काम करेगा वो टचअप करा देगा। और टचअप एक बार हो गया, ब्लड कांटेक्ट में आ गया, तो वो छोड़ेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी नंगे हाथों से, नंगे पैरों से, या फिर नहा धो करके तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। ओके, यस मैम, यस मैम। चलिए, तो अभी हम पढ़ रहे थे वाटर एनर्जी के बारे में। तो जो टर्बाइन है, चलते हुए गिरते हुए पानी से टर्बाइन को मूवमेंट कराया जाता है, और इसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ओके, अब yes, आती है नेक्स्ट चीज। तो अनदर इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज एयर। अब हमने अभी सन पढ़ा, दूसरा हमने वाटर के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट है हमारा एयर। तो जो हमारा एयर है, द एयर इज आल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्सेज। हवाएं भी हमेशा चलती हैं, और इससे जितनी भी चीजें जनरेट की जाती हैं, जो भी चीजें विंड के थ्रू बनाई जाती हैं, वो हम डेली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है एक दिन खत्म हो गई तो दूसरे दिन हवाएं नहीं चलेगी, चलेंगी हवाएं। तो ये भी क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज। अब देखिए, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। चलती हुई हवा को हम लोग विंड कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो चलती हुई हवाएं विंड होती हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस बाय विंड इज नोन एज विंड एनर्जी। और जो एनर्जी विंड के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है वो विंड एनर्जी होती है। हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी पढ़ चुके हैं पहले। तो दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल। तो पवन चक्की चलाई जाती है, ये भी गेम आप सभी ने खेला होगा। क्या होता है, एक छोटा सा फैन होता है, उसको लेके दौड़ते रहते हैं हम, और वो घूमता रहता है खूब तेज तेज। खेला है ना आपने? Yes, ma'am. तो आपके दौड़, yes, ma'am. ऐसा नहीं है कि दौड़ने से आपके अंदर पावर आ गई और वो इसलिए तेज तेज घूम रहा है। वो इसलिए तेज घूमता है क्योंकि जब हम दौड़ते हैं ना, तो हवा का कांटेक्ट ज्यादा मिलता है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी घूमने लगती है। तो अब ऐसे ही जो विंड मिल है, पवन चक्की जो ऊंची ऊंची लगाई जाती हैं, उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जितनी ज्यादा तेज हवाएं होंगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज होगी। चलिए, अब एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वाटर के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, विंड के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तब भी आए दिन हमसे कहा जाता है कि बिजली का उपयोग कम करो, लाइट कम जलाओ, बोला जाता है ना? यस मैम। आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आता कि जब ये सारी चीजें रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, पानी का हम यूज जितना चाहे कर सकते हैं, विंड का यूज हम जितना चाहे कर सकते हैं, तभी भी हमसे ये क्यों बोला जाता है भाई कि लाइट को बंद कर दो, टीवी कम देखो, लाइट बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, ऐसा क्यों कहा जाता है? मेडल, यस मैम, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आता है। बिजली का बिल ज्यादा आता है इसलिए नहीं। चलिए, और कौन बताएगा? यस मैम, क्योंकि हम बिजली खत्म हो सकती है। तो वही वही क्वेश्चन है ना, सेम चीज की, जब हमारे पास एयर भी है, हवा रोज चलेगी,
पानी जो है वो भी पानी तो है ही फिलहाल, तो इन दोनों चीजों से जब हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं तो बिजली खत्म कैसे होगी, उसको तो जितना चाहे तैयार कर सकते हैं ना हम लोग। yes, ma'am. किसी के पास इस क्वेश्चन का आंसर है? यस मैम। यस कौन बताएगा? मैम। यस अभिनय। मैम वो इसलिए कहते हैं क्यों बिजली बचा ले हम फिर भरना ना पड़े। भरना ना पड़े, चलिए मैं आपको इसका परफेक्ट रीजन बताती हूँ, क्योंकि जो रीजन है ना वो परफेक्ट होना चाहिए तभी हम उस चीज को मानते हैं। चलिए तो इसका परफेक्ट रीजन क्या है कि जो विंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और जो वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ये कम मात्रा में बनाई जाती है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो बनाई जाती है थर्मल पावर प्लांट से, यानी कि कोयले से। तो जहां पर भी कोल माइन होती है, कोयले की खदान, अभी फिलहाल आपको इस चैप्टर में दिया है आगे कोल माइन की पिक्चर दी हुई, ये रही। तो सबसे ज्यादा जो बिजली बनाई जाती है वो कोल माइन से। देखिए जैसे ये पूरा कोयले की खदान है, यहाँ से हमें कोयला मिलने वाला है, तो हमने क्या किया इसके ऊपर एक होल करके यहाँ से निकलने वाली गैस को निकाल लिया। दैट मीन्स कोयला नहीं निकाला, केवल इसकी गैस, जो इसमें गैस बनी होगी ना पूरी, उसको निकाल लिया और एक अलग टैंक में फिल कर लिया। तो इसी गैस के थ्रू थर्मल पावर प्लांट लगाए जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो उन्हीं से आती है। और यही कारण है, हमने पढ़ा तो है ही कि कोयला खत्म होने वाला है, बहुत ज्यादा नहीं है, जानते ना हम सभी। yes, ma'am. तो yes, ma'am. अगर कोयला कम है तो थर्मल पावर प्लांट्स भी कम होंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फिर केवल अगर थर्मल पावर प्लांट से नहीं की जाएगी तो केवल हम किस पे डिपेंड हो जाएंगे, वाटर एंड विंड पे ही, इन यही दोनों रिसोर्सेज रह जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो इसलिए ही हमें कहा जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी का आपको यूज कम करना है। ओके यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए तो समझ आ गया सभी को क्यों कहा जाता है कि yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइट्स बंद कर दीजिए। यस मैम। चलिए तो अभी हमने किन के बारे में पढ़ा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, फिलहाल इसके बारे में हम लोग देखते हैं अभी कितना पढ़ा है। yes. तो इस टॉपिक के बारे में अगर फिलहाल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, अगर टाइम बचेगा तब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ओके चलिए तो पहले आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। यस सबसे पहले कौन बताएगा आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर? यस अंचित से स्टार्ट करते हैं। यस अंचित, व्हाट इज द यूज ऑफ सोलर एनर्जी? द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इज टू कुक फूड इन सनलाइट। यस गौरव, नाउ यू टेल। इट इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर photoplasm. It is also used power applications such as solar cooker, solar heating, solar calculation and solar string light. बेटर वो solar application नहीं है, solar वो appliances लिखा है। appliances का मतलब उपकरण। okay appliances उपकरण। चलिए अब कौन बता, आस्था now you tell बेटा। It is also used for powering appliances such as solar cooker, solar heater, solar calculator and solar street lights. Okay, very good. Chale, next. Anushka, now you tell. What is the use of water energy? Water energy is used to generate electricity. Yes, तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? Electricity generate करने के लिए। Okay, next question है। Yes, शिवांगी त्रिपाठी, now you tell, what is the use of wind energy? Wind energy is used for producing electricity.
Yes, तो इसका भी इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. चलिए तो अभी आगे हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे और जो बच्चे बच गए हैं अब वो बताएंगे क्वेश्चन के आंसर. तो अब हमें पढ़ना है नॉन रिन्यूएबल दैट मीन्स अनवीकरणीय जिन्हें हम फिर से नया नहीं बना सकते और एक्सॉटिबल रिसोर्सेस दैट मीन्स के समाप्त होने वाले जो एक टाइम पर समाप्त हो जाएंगे. तो अनवीकरणीय या समाप्त होने वाले हम इनमें कुछ भी दोनों में से कोई भी नाम कह के पुकार सकते हैं. तो ये है नॉन रिन्यूएबल या फिर एक्सॉटिबल रिसोर्सेस जो खत्म हो जाएंगे. सम नेचुरल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिन्यूड वंस दे आर यूज. तो कुछ रिसोर्सेज कुछ प्राकृतिक स्रोत ऐसे हैं जिन्हें हम लोग अगर एक बार इस्तेमाल कर चुके तो दोबारा नहीं बना सकते. वाइल अदर्स टेक मिलियन ऑफ इयर्स टू गेट रिन्यूड थ्रू नेचुरल प्रोसेस. और कुछ ऐसे हैं जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे. तो इन दोनों ही रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरणीय या फिर एक्सॉटिबल रिसोर्सेस समाप्त होने वाले. तो ये अनवीकरणीय हैं जिन्हें हम फिर से नहीं बना सकते हैं और ये एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे. तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल और एक्सॉटिबल नेचुरल रिसोर्सेज. अब जो खनिज हैं दैट मीन्स कि सोना चांदी लोहा ये सारी चीजें भी नॉन रिन्यूएबल है. अगर हमने इन्हें एक बार इनकी जो यहाँ जहां पर भी इनकी खान पाई जाती है जहां से खुदाई करके एक बार निकाल लिए गए तो वहां पर ये फिर से जल्दी से नहीं बन जाएंगे. इन्हें बनने में 1,00,000 साल तक लग सकते हैं. दे आर फाउंड इन रॉक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. अब ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा. अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है कि ये पत्थरों से ही पाए जाते हैं हमारी अर्थ सर्फेस के नीचे. तो हमारी अर्थ सर्फेस जो देखने में हमें लगता है कि अरे ये तो मिट्टी है उसी मिट्टी के अंदर से सोना चांदी हीरा ये सारी चीजें निकाली जाती हैं. फिलहाल ये भी हमें पढ़ना है लेकिन अब जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाएंगे तब. ओके तो ये देखिए जो मिनरल्स हैं ये सारे ही नॉन रिन्यूएबल हैं. इन्हें हम फिर से जल्दी से नहीं रेडी कर सकते हैं. इन्हें बनने में लाखों साल लग जाएंगे. एंड ये कहाँ पाए जाते हैं ये चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं पत्थरों के रूप में हमारी अर्थ सरफेस के नीचे जमीन के नीचे डीप इनसाइड द अर्थ हमारी पृथ्वी में अंदर तक. तो इन्हें कौन लेके आता है ये भी आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ना है कि हमारी जमीन के अंदर से इन्हें खोद के कौन लेके आता है या फिर समुद्र के नीचे पाए जाते हैं. अब इन्हें समुद्र के नीचे से कौन लेके आता है ये भी आपको बड़ी क्लासेस में पढ़ना है. अभी के लिए आप लोग छोड़ देंगे. ओके Yes, ma'am. तो अभी के लिए ये सस्पेंस है. ये सस्पेंस खुलेगा जब आप जाएंगे बड़ी क्लासेस में. ज्यादा बड़ी क्लासेस में नहीं अगली फोर्थ से फिफ्थ में जाने के बाद ही आपको पता लग जाएगा. फिफ्थ क्लास में ही पढ़ना है. चलिए तो अब देखिए ये दिया है कोल माइनिंग कोयले की खदान है जहां से कोयला निकाला जाता है खोद के खुदाई करने के बाद. तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर ऑप्टिंग बाय डिगिंग डीप इनटू द अर्थ. तो बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो हमें अर्थ के नीचे खुदाई करने के बाद मिलती हैं. अब ये देखिए ये किसी ने घर नहीं बनवाया है यहाँ पर. किसी का घर नहीं है ये जमीन के नीचे खुदाई की गई. टैंक भी जा सकता है. यस ट्रेन भी जा सकता है इधर. अरे ट्रेन कैसे जाएगी भैया यहाँ पर जब रेल यहाँ पर ट्रेन ट्रैक भी तो होनी चाहिए. रेल की पटरी बनाएंगे कहाँ अंदर तक. मैम है वो ट्रेन की पटरी. मैम है रेल की पटरी नहीं है ये अलग टाइप का गाड़ी यूज की गई है. ये उतनी देर ये जाती है ना तो ये मिट्टी को भी काट के लेके जाती है. रेल की पटरी आपकी मिट्टी काटती हुई नहीं चलती. ये मशीनें यूज की जाती है कोयला निकालने के लिए. और दूसरी बात ये जो लोग यहाँ पर काम करते हैं उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है. बहुत से लोगों की डेथ भी हो जाती है इतनी अंदर. यहाँ पर देखिए कहीं भी आसपास हवा आने का रास्ता नहीं है. इसी छोटे से एरिया से जितनी सी हवा आ रही होगी वही आ रही होगी यहाँ पर. तो इसके अंदर काम करना यानी कि अंडरग्राउंड लेवल पे जहां आप लोग रहते हैं आप ही सोचिए आपका जो घर है ना उसके नीचे एक और घर बनाया जाए अंदर नीचे. तो इस टाइप से ये कोयले की खदान होती है जमीन के नीचे यानी कि जहां जंगल है पेड़ पौधे ऊपर उगे हुए हैं उसके नीचे ये कोयले की खदान है. और इसके नीचे जाकर के लोग इसे खोद के कोयला निकाल करके लेके आते हैं. तो दिस एक्टिविटी ऑफ डिगिंग फ्रॉम मिनरल्स इज कॉल्ड माइनिंग. तो इसे क्या बोलते हैं माइनिंग यानी कि खनन करना. खनन यानी कि यहाँ पर खुदाई की है जमीन की और उसके बाद कोयले की खान मिली है. ओके
तो माइंस आर डीप होल्स दैट आर डग टू रिमूव वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम अंडर द अर्थ. तो माइंस क्या होती हैं, खान क्या होती हैं, ये डीप होल यानी कि बहुत गहरे गड्ढे होते हैं दैट आर डग टू रिमूव वैल्यूएबल मिनरल्स, जिन्हें क्यों खोदा जाता है, इस पर्पज से कि जमीन के नीचे से बहुत सारी जो वैल्यूएबल चीजें हैं, जो मिनरल्स हैं, उन्हें निकाला जा सके. अब एक चीज और, तो क्या क्या निकालते हैं लोग, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कोल एंड पेट्रोलियम. तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि अगर यहाँ से गोल्ड निकाला जाता है तो यहाँ से ये लोग हार निकाल के लेके जाते हैं. नहीं, गोल्ड एंड सिल्वर मिलता तो है लेकिन ज्वेलरी के रूप में नहीं, ओर के रूप में, लिक्विड फॉर्म में होता है वो. बाद में उसे फैक्ट्रियों में भेजा जाता है और फैक्ट्रियों में फिर जाकर के पहले इसे प्योर किया जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी मिली होती है, तो इसे प्योर करते हैं और उसके बाद फिर इससे ज्वेलरी बनाई जाती है. ओके तो देखिए, जमीन खुदाई करने के बाद ये जो माइंस हैं, यानी कि जो खान होती हैं, तो ये कोयले की खान है, यहीं से हमें कोयले के अलावा सोना चांदी नहीं मिल जाएगा. अलग अलग चीजों की खान, अलग अलग चीजों के माइंस अलग अलग होती हैं. ऐसा थोड़ी है कि थोड़ी सी मेहनत करने पे सारी चीजें मिल जाए. हमें अर्थ सरफेस से मिलती तो है लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद, और यही कारण है कि ये सारी चीजें इतनी महंगी हैं. तो देखिए, अब जैसे यहाँ पर कोयला मिला, अलग किसी और जगह खुदाई की जाएगी, वहां से हमें गोल्ड की ओर मिलेगी, सिल्वर ओर मिलेगी, अलग जगह खुदाई करने के बाद कोल एंड पेट्रोलियम मिलेगा. तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह पर होती हैं. ओके, यस मैम. तो ये सारी चीजें जो हैं हमें माइंस से मिलती हैं, अर्थ सरफेस के नीचे, जमीन के नीचे से मिलती हैं हमें. अब इनका यूजेस कहाँ कहाँ पर होता है, तो लेट अस लर्न द यूजेस ऑफ दीज मिनरल. तो फ्यूल्स लाइक पेट्रोलियम एंड कोल, तो कोल एंड पेट्रोलियम जिन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं, इन्हें हम लोग नहीं बना सकते, इन्हें बनने में लाखों साल लगे हैं. तो ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में फिलहाल आपको फिफ्थ क्लास में पढ़ना है, तो मैं आपको फिलहाल थोड़ा सा बता देती हूँ बनते कैसे हैं. तो कोयला कैसे बना है, देखिए क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना जंगलों में, वो पेड़ उगे हुए हैं, क्या होगा, भूकंप आएगा तो वही पेड़ नीचे दब जाएंगे, अब उसके ऊपर दूसरे पेड़ उगेंगे, फिर क्या होगा, फिर से दोबारा से या तो लैंडस्लाइड आ जाएगा या भूकंप आ जाएगा, तो वो वाले पेड़ भी दब जाएंगे. अब जो नीचे वाले पेड़ जो नीचे चले गए हैं, तो ये और नीचे और नीचे और नीचे जाते जाएंगे, उसके ऊपर और पेड़ उगते जाते हैं. तो ये जब नीचे चले जाएंगे तो बहुत सालों बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में. ओके, तो इन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं, बहुत लाखों साल तक जमीन के नीचे दबे रहने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कोयले में. और पेट्रोलियम कैसे बनता है, तो जो सी समुद्र के अंदर जो मछलियां पाई जाती हैं, या फिर अदर जो जानवर होते हैं, या फिर अगर ह्यूमन बींग्स की ही डेड बॉडीज को वहां पर बहा दिया जाता है नदी में या समुद्र में, तो जब उनमें भी सेम यही होता है, वो और नीचे बहते जाते हैं, अब लोग क्या करेंगे, उनके ऊपर और चीजें बहा देंगे, वो भी जाके वहीं सेटल डाउन होंगे, वो चीजें और नीचे जाती जाएंगी और नीचे जाती जाएंगी और नीचे जाती जाएंगी, और उनके ऊपर जो चीजें आने वाली हैं वो उनके ऊपर आती जाएंगी. और तो जो मरते जाएंगे वो समुद्र में उन्हें निकालने थोड़ी जाता है कोई, वो और जमते जाएंगे. दूसरों की डेथ हुई, वो फिर से उनके ऊपर जम गए, फिर से दूसरों की डेथ हुई, वो उनके ऊपर जम गए. तो जो सबसे नीचे वाले रहेंगे, वो जमीन के नीचे बहुत दिनों तक दबे रहने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेट्रोलियम में. ओके, अब यानी कि ह्यूमन बींग्स और वाटर एनिमल है ना, ये इन्हीं की कीमत हजार सालों में, लाखों सालों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो पेट्रोल और किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम में. तो ह्यूमन बींग्स एंड जो वाटर एनिमल है, यही पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इन्हें बनने में क्या बहुत टाइम लगता है, तो ये नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं. ओके, यस मैम, यस मैम. तो दे आर यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर वेरियस पर्पस. अब इनका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, जैसे कि कोयला. देखिए, अभी मैंने आपको बताया ही था, कोल इज यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. कोयले का इस्तेमाल क्यों होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. और यही कारण है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है कम यूज करिए आप लोग. ओके, दूसरा और कहाँ होता है इसका इस्तेमाल, प्रोड्यूसिंग हीट, गर्मी पैदा करने के लिए,
बहुत सारे लोग कपड़े आयरन करते थे तो उसमें भी कोयला डालते थे छोटे छोटे टुकड़े पहले के टाइम पे, फिलहाल अब तो कम हो गया। इसके अलावा रनिंग स्टीम इंजन, तो इंजन को चलाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता था, कोयले का। खाना बनाने के लोग पहले कोयले का इस्तेमाल करते थे, तो लेकिन इसे बनने में लगेगा भैया बहुत टाइम और इसलिए इसका इस्तेमाल करना है कम। चलिए तो अभी जितना पढ़ा है समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। चलिए तो बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके? यस मैम। आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? यस यस मैम। अब एक बार नॉन रिन्यूएबल, हम लोग नॉन रिन्यूएबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी फिलहाल ये भी रह रहा है हमारा थोड़ा सा, तो इसको भी लेकिन नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। चलिए तो आदर्श आपको बताना है। यस आदर्श, नाउ यू टेल, give some example of non renewable sources. Mamta, now you tell. Yes Mamta, now you tell beta. Petrol, coal, gold ornament, सिल्वर, आयरन। यस वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बनता है हमारा अभी से। यस आस्था, नाउ यू टेल वेयर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फाउंड। नॉन रिन्यूएबल sources are found in rocks on the surface of earth, deep inside the earth or under the sea. Okay Anushka, now you tell last ka last question. What is mining? Yes Anushka. अनुष्का के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। यस आस्था, नाउ यू टेल मैम क्वेश्चन। यस आस्था, आपकी वॉइस नहीं आ रही। यस एक्टिविटीज ऑफ डिगिंग फॉर मिनरल इज कॉल्ड माइनिंग। यस अनुष्का, नाउ यू टेल व्हाट इज माइनिंग। चलिए तो फिलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम है मेरे यहाँ भी है। यस बेटा, तो आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर होने वाला है, बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके यस मैम। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।